सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट है। किस तरीके से तैयारी की कि आप पंजाब और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्साह भर कर के आए हैं सचिन पायलट, सभी शहरों में सभाओं में बड़ा जोश था कार्यकर्ताओं के, पब्लिक के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां तक पोलिंग हो चुकी है उन दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत जल्द पंजाब में चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होगा। वहाँ पहली बार इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे खास 3 महीने में शासन सरकार बना कर दी है, पहली बार एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, गरीब घर से निकले व्यक्ति को मौका दिया, और मात्र तीन चार महीने में उन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए बिजली पानी को लेकर कि वहाँ पे जनता बहुत प्रभावित है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि जो अफवाहें लोग बनाते हैं कि एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी, सब पार्टियों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लेकिन धरातल पर जो कांग्रेस है वो पुराना इतिहास है, लोग हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से पंजाब के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे। मेरा दावा है, आपको लगता है अमरिंदर सिंह को नुकसान कर सकते हैं क्योंकि पार्टी से गए हैं? तो आपको देखिए ऐसा है, सारी समीकरण जनता समझती है, कोई भी छोटा दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, इसलिए कांग्रेस सरकार बना रही है, इस बात को लोग जानते हैं, अपना वोट लोग वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी BSP है और अकाली दल है, कैप्टन साहब की पार्टी है, BJP है, इन सबका वहाँ समीकरण हो सकता है, कुछ वोट लेंगे लेकिन सीट जीतकर विधायक बनकर आएंगे या सरकार बनाएंगे संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना वहाँ पर तय है। प्रियंका जी, राहुल जी पूरी ताकत के साथ वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, मैं भी वहाँ 2-3 दिन लगाकर आया हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर माहौल हमारे पक्ष बन चुका है और आने वाले 2-3 दिन में और सघन प्रयास करेंगे ताकि पिछली बार से ज़्यादा बहुमत हमारी पार्टी वहाँ लेकर आए। सर, 5 राज्यों में सरकार कहना, मैं तो चाहता हूँ हर जगह बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रदर्शन, जो आज BJP की जो वहाँ जड़ें ढीली हुई हैं, योगी जी की सरकार को रिपीट होने का जो लोग नहीं चाहते हैं, उसकी नींव प्रियंका जी ने रखी है। 3 साल 2.5 साल से लगातार हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, हर जगह प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी पहले खड़े हुए विरोध करने का सरकार के, और कमज़ोर दलित महिला किसान, जब एक सिटिंग मंत्री के बेटे जिसको बेल मिल गई है उस पर आरोप लगा था कि किसानों को कुचल रहा है, सबसे पहले वहाँ प्रियंका जी पहुँची। 18,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा पिछले 2.5 साल में, तो हम लोगों ने एक एंटी गवर्नमेंट माहौल बनाया था, उसका कितना फ़ायदा हमको मिलता है ये देखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदर्शन जो कांग्रेस का है पहले से बहुत बेहतर होगा, लेकिन भाजपा की जमीन खिसक रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री चिंतित हैं, सारे मंत्री वहाँ पड़े हुए हैं, अगर आपने काम इतना अच्छा किया था तो एक दर्जन हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, हर जगह प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी पहले खड़े हुए विरोध करने का सरकार के, और कमज़ोर दलित महिला किसान, जब एक सिटिंग मंत्री के बेटे जिसको बेल मिल गई है उस पर आरोप लगा था कि किसानों को कुचल रहा है, सबसे पहले वहाँ प्रियंका जी पहुँची। 18,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा पिछले 2.5 साल में, तो हम लोगों ने एक एंटी गवर्नमेंट माहौल बनाया था, उसका कितना फ़ायदा हमको मिलता है ये देखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदर्शन जो कांग्रेस का है पहले से बहुत बेहतर होगा, लेकिन भाजपा की जमीन खिसक रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री चिंतित हैं, सारे मंत्री वहाँ पड़े हुए हैं, अगर आपने काम इतना अच्छा किया था तो एक दर्जन भाजपा के विधायक BJP छोड़ के क्यों चले गए यूपी से? 3 कैबिनेट मिनिस्टर BJP छोड़ के चले गए चुनाव से ठीक पहले, उत्तराखंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ के चले गए, तो हकीकत कुछ और है, मीडिया में कुछ और आता है। BJP से लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आर्थिक जो व्यवस्था बनाई है उससे लोग पीड़ित हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर BJP का जो सफाया होना चालू है, यानी डबल इंजन का जो नारा है BJP को भारी पड़ सकता है, वो दोनों इंजन सीज हो गए हैं, वो इंजन बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज़ अजीब तरह की आ रही है और इतनी घबराहट है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मुझे लगा है कि लोग अब 8 साल का सरकार का कार्यकाल BJP का हो गया 3, तो गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, तेल, डीजल, खाद, खाने की सामग्री, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा बात नहीं करते हैं, 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में भय है, इसलिए लगातार जज्बाती बात कर धार्मिक बात कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो BJP में इतना बड़ा बहुमत पहले मिला था, योगी जी की सरकार का जाना तय है, और मुझे लग रहा है कि सपा बसपा जो बहुत पहले नहीं दिखे विपक्ष में, सिर्फ कांग्रेस दिखी थी,
परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले से बहुत ज़्यादा आएंगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र में भी 24 में जो हम कांग्रेस के साथ बाकी दल मिलकर काम करें, 24 में भी हम एनडीए को हरा पाएंगे। सर भाजपा रीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच की मांग चल रही है, क्या स्टैंड रहेगा सर? स्टैंड से नहीं सवाल सीबी रीट परीक्षा को लेकर परीक्षा में देखिए इतने लाख बच्चों का ऐसे विश चला हुआ है, हम सब चिंतित हैं और सरकार ने एक एसओजी की जांच उठाई है, कार्रवाई करी है, लोगों को बर्खास्त किया है, लोगों को अरेस्ट किया है और जांच चल रही है। एक कमेटी बनी है तो सुझाव देगी कैसे आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो सरकार गंभीर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ इतने दिनों तक, इतने सालों तक इतने निष्क्रिय रही भाजपा और अब वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का जो प्रदर्शन आजकल में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति होकर है, लेकिन जो इतने लाखों लोग उनके परिवार जो चिंतित हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, नौजवानों तो कहीं ना कहीं मन में भय है, इसलिए लगातार जज्बाती बात कर धार्मिक बात कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीजेपी में इतना बड़ा बहुमत पहले मिला था, योगी जी की सरकार का जाना तय है और मुझे लग रहा है कि सपा बसपा जो बहुत पहले नहीं दिखे विपक्ष में, सिर्फ कांग्रेस दिखी थी, परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले से बहुत ज़्यादा आएंगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र में भी 24 में जो हम कांग्रेस के साथ बाकी दल मिलकर काम करेंगे, 24 में भी हम एनडीए को हरा पाएंगे। सर भाजपा रीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच की मांग चल रही है, क्या स्टैंड रहेगा सर? सीबी रीट परीक्षा को लेकर परीक्षा में देखिए इतने लाख बच्चों का ऐसे विश चला हुआ है, हम सब चिंतित हैं और सरकार ने एक एसओजी की जांच उठाई है, कार्रवाई करी है, लोगों को बर्खास्त किया है, लोगों को अरेस्ट किया है और जांच चल रही है। एक कमेटी बनी है तो सुझाव देगी कैसे आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो सरकार गंभीर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ इतने दिनों तक, इतने सालों तक इतने निष्क्रिय रही भाजपा और अब वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का जो प्रदर्शन आजकल में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति होकर है, लेकिन जो इतने लाखों लोग उनके परिवार जो चिंतित हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खड़वाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ तक जाना चाहिए और जाँच में जो सामने आए, जाँच सघन हो, समय सीमा के तहत होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। उस जांच में अगर कोई तथ्य मिलते हैं, अगर कोई व्यक्ति या किसी संगठन या किसी के ऊपर तथ्य मिलते हैं तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि भविष्य के लिए उदाहरण बने और इस प्रकार का जो लीकेज है या भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं ये भविष्य में ना हो पाए, इस बात की जिम्मेदारी हमें। सर सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं? भाई जांच कोई सी भी हो लेकिन सघन हो, समय सीमा के तय हो और जांच संतोषजनक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और भविष्य में ऐसा ना हो, इतने लाखों लोग 26-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनके जो एग्जाम देने की फीस होती है, अभी सुझाव दिए जाएंगे भविष्य में क्या करें, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो बच्चे जिनको दोबारा देना पड़ रहा है उनसे फीस लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा, एक सौ बार फीस अब ले चुके हैं, तो अनेक तरह के कदम उठाने चाहिए, बच्चे जल्द होनी चाहिए और रोजगार मिलने चाहिए, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस बात की जिम्मेदारी। सर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया का भी इशू चल रहा है।